नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सुहासिनी, सहायक प्रोफेसर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस चर्चा सत्र में हम नैतिक विकास पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी अध्ययन किया है कि एक बालक जब विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अग्रसर होता है तो उसका विकास विभिन्न पक्षों में होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, गामक विकास और नैतिक विकास। क्योंकि विकास की प्रक्रिया एक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है, जिसमें किसी भी बालक के नैतिक विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि एक बालक समाज में रहता है तो उसे समाज के नियमों, मान्यताओं व अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया गया आचरण ही नैतिकता कहलाता है। क्योंकि विकास की प्रक्रिया में समाज में रहते हुए ही प्राणी का विकास होता है, इसलिए समाज के जो निश्चित नियम मान्यताएं हैं उनके विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना और उन नियम एवं मान्यताओं को समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप पालन करना किसी भी बालक के लिए अति आवश्यक होता है। नैतिक विकास का संबंध बच्चों के सही व गलत का अंतर करने से होता है। उम्र व अनुभव के साथ साथ बच्चे का नैतिक विकास होता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभ में बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो वह समाज के विभिन्न नियमों एवं मान्यताओं से पूर्णतः अनभिज्ञ होता है। उसके कार्य करने में प्रमुख रूप से उसको सुख देने वाली क्रियाएं समाहित होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र और अनुभव के साथ उसका विकास होता है, वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होता हुआ प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता है, तो उसमें समाज के निर्धारित नियमों एवं मान्यताओं का ज्ञान विकसित होता है, साथ ही साथ उन मानसिक योग्यताओं का भी विकास होता है जिससे वह क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि नैतिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर घटित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिक विकास की प्रक्रिया कोई ऐसा चरण नहीं होता जहाँ पे पहुंचकर हम कहें कि अब इस व्यक्ति या इस बालक का नैतिक विकास पूर्ण हो चुका है या इस अवस्था पे नैतिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के सम्मुख समाज में उपस्थित होने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुरूप नित नए रूप में रूपांतरित होती है तथा व्यक्ति अपने नैतिक नियमों एवं नैतिक तर्कों में समस्या एवं परिस्थिति के अनुसार उचित रूप से परिवर्तन करता रहता है। एक विषय और महत्वपूर्ण है कि कुछ नैतिक नियम किसी भी समाज में समान होते हैं तथा कुछ ऐसे भी नियम हैं जो एक समाज में विभिन्न प्रकार से हैं और दूसरे समाज में उनका स्वरूप अलग है। किसी एक समाज में अगर एक आचरण अनैतिक आचरण कहलाता है तो किसी दूसरे समाज में वह आचरण अनैतिक आचरण की श्रेणी में नहीं होता है। अतः नैतिकता के निर्धारण में परिवेश एवं समाज का भी प्रमुख स्वरूप देखना आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन करते हुए बालकों का विभिन्न निर्मित परिस्थितियों या नैतिक संघर्षों की श्रृंखला के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया है। जैसे
कोई भी बालक किसी परिस्थिति में जब होता है या किसी घटनाक्रम के समक्ष जब उपस्थित होता है, तो उसके अंदर उस विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप किस प्रकार के नैतिक संघर्षों का उद्भव होता है और वह बालक उस विशिष्ट परिस्थिति में किस प्रकार समस्या समाधान करता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए हैंज की दुविधा, जिसे हैंज डायलेमा भी बोलते हैं, नामक परिस्थिति का उदाहरण लिया था। कोहलबर्ग ने एक परिस्थिति में एक कहानी कुछ बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करी और उस कहानी के लिए बच्चों ने क्या प्रतिक्रियाएं दीं, उसके विषय में उन प्रतिक्रियाओं को नोट किया गया। कोहलबर्ग ने विभिन्न आयु के बच्चों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत की, जिसमें एक हैंज नामक व्यक्ति होता है जो जिसकी पत्नी बीमार होती है और वह उस बीमारी से ग्रसित है जिस बीमारी के लिए एक दवा का निर्माण एक वैद्य द्वारा किया गया, लेकिन वह वैद्य उस दवा की इतनी अधिक कीमत लगाता है जिस कीमत को हिंज नामक व्यक्ति देने में पूर्णतः सक्षम नहीं होता। एक तरफ हिंज नामक व्यक्ति की पत्नी है जो मृत्यु की ओर जा रही है और दूसरी ओर हिंज के पास उस दवा को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की अनुपलब्धता है। उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वह उस दवा को खरीद कर अपनी पत्नी की जान बचा सके। अब इस परिस्थिति में हैंज नामक व्यक्ति क्या करेगा? उसे दवा को चुरा लेना चाहिए? क्या दवा को चुराना उसके लिए ठीक होगा? तो परिस्थिति यह रूप लेती है कि उसने उस वैद्य के घर पर चोरी की और उस दवा को चुरा कर उसने अपनी पत्नी की जान बचाई। अब बच्चों के सम्मुख यह परिस्थिति रखी गई और उनसे इस परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने को कहा गया कि जब हैंज ने बहुत प्रयास किए लेकिन वह उतने पैसे का प्रबंध नहीं कर पाया जिसमें वह दवा खरीद सके, तो उसने वैद्य के घर चोरी करने का निर्णय लिया। उस चोरी के निर्णय से पहले उसने वैद्य को अपनी परिस्थिति से अवगत कराया और बहुत ही विनम्रता पूर्वक वैद्य से आग्रह किया कि वह दवा दे दे और वह बाकी पैसे को बाद में चुका देगा। और अंत में उसने विभिन्न सामाजिक नियमों को ध्यान में रखते हुए कि चोरी करना सही है या गलत है, या अपनी पत्नी की जान बचाना, उसके जीवन को बचाना जरूरी है, तो उसने इन सब परिस्थितियों में यह निर्णय लिया कि उसे चोरी करनी चाहिए और अपनी पत्नी की जान बचानी चाहिए। अब बच्चों के सम्मुख जब यह परिस्थिति थी, तो विभिन्न आयु वर्ग के विभिन्न बच्चों ने अपने नैतिक विकास के स्तर पर प्रतिक्रियाएं दीं। उन दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर कोहलबर्ग ने माना कि जब व्यक्तियों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। यहाँ पे अभिप्राय यह है कि व्यक्ति समाज में नैतिकता के आधारित नियमों पर चलते हुए किस तार्किक सोच के साथ किस विशिष्ट निर्णय को लेता है, यह प्रमुख होता है, ना कि उसने निर्णय लिया वह प्रमुख है। किस प्रक्रिया के लिए, किस प्रकार उसने उस विशिष्ट निर्णय को आत्मसात किया है, यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक न्याय या तर्क की छह अवस्थाओं की श्रृंखला से गुजरता है। कोहलबर्ग ने मुख्यतः नैतिक विकास को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित कर दिया और इन तीनों चरणों को पुनः
दो दो स्तरों में विभाजित किया गया, जिससे कि कुल 6 स्तर नैतिक विकास के स्तर कहलाए। कोहलबर्ग के तीन प्रमुख कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास के तीन प्रमुख स्तर हैं। सबसे पहला स्तर पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, दूसरा परंपरागत नैतिकता का स्तर और तीसरा पश्च परंपरागत नैतिकता का स्तर। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि यह स्तर एक क्रम में आगे बढ़ते हैं और कोई भी बालक या व्यक्ति विकास की अवस्था में सबसे पहले स्तर पर होता है, जैसे कि पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, फिर वह दूसरे स्तर पर अग्रसर होता है परंपरागत नैतिकता का स्तर, तथा इसके पश्चात जो स्तर विकसित होता है वह पश्च परंपरागत नैतिकता का स्तर होता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक स्तर, चाहे वह पूर्व परंपरागत स्तर हो या वह परंपरागत स्तर हो या वह पश्च परंपरागत नैतिकता का स्तर हो, इस चित्र में स्पष्ट है कि प्रत्येक स्तर दो दो अवस्थाओं में बटा हुआ है और अवस्थाओं का क्रम पूर्व परंपरागत स्तर से होते हुए परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत स्तर तक आगे बढ़ता है। इस प्रकार कोहलबर्ग द्वारा दिए गए इन नैतिकता स्तरों के 6 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप दंड तथा आज्ञा पालन अवस्था। पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर के बारे में यदि हम देखें तो उसमें जो सबसे पहला चरण होता है वह दंड तथा आज्ञा पालन अवस्था होती है। इस नैतिकता स्तर का दूसरा चरण स्वयं रुचि अभिमुखता कहलाता है। इसके बाद नैतिक विकास के चरणों में परंपरागत नैतिकता स्तर आता है और परंपरागत नैतिकता स्तर में पुनः प्रथम स्तर उत्तम लड़का लड़की अभिमुखता है और द्वितीय स्तर कानून और व्यवस्था है। तृतीय स्तर में पुनः दो स्तर हैं, तो पश्च परंपरागत नैतिकता स्तर के लिए पहला चरण सामाजिक अनुबंध और दूसरा एवं अंतिम चरण सार्वभौमिक नैतिकता का होता है। इस प्रकार कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित इन तीन नैतिकता स्तरों में दो दो चरणों में कुल 6 चरणों में व्यक्ति के नैतिक विकास का अध्ययन किया जा सकता है। नैतिक विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न सामाजिक नियमों और मान्यताओं के अनुरूप आचरण किए जाते हैं। नैतिक विकास की जो प्रथम अवस्था दंड तथा आज्ञा पालन अवस्था है, उस अवस्था में बच्चा प्रारंभिक अवस्था में होता है और उसे समाज के किसी विशिष्ट नियमों मान्यताओं आदि का ज्ञान नहीं होता। वह जो नैतिक आचरण करता है उस नैतिक आचरण करने के पीछे प्रमुख कारण केवल दंड से बचना तथा आज्ञा पालन करना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में, विकास की इस प्रारंभिक अवस्था में, वह बालक मात्र विभिन्न प्रकार के दंडों से बचने के लिए नैतिक आचरण करता है। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें तो कोई बच्चा अगर खाने की कोई सामान खा रहा है और वह अचानक से वह वस्तु उसकी बहुत प्रिय वस्तु है और वह वस्तु अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन वह सामने अपनी माँ को उपस्थित देखता है जिसने उसे यह सिखाया है कि ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ों को नहीं उठाकर खाना चाहिए क्योंकि वह अशुद्ध हो जाती हैं, और उसके अंदर ये भय है कि यदि वह अपनी उस प्रिय चीज़ को ज़मीन से उठाकर खाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी माता के अंदर गुस्सा का विकास होगा जिससे वह उसे दंड भी दे सकती हैं।
इसलिए वह दंड की अवस्था से बचने के लिए ही केवल उस अपनी प्रिय वस्तु को नहीं उठाएगा। हो सकता है कि वह बच्चा उस परिस्थिति में, जब उसकी माता या परिवार का और कोई सदस्य उपस्थित ना हो, तो उस वस्तु को जमीन से उठाकर खा ले, क्योंकि उसके अंदर अभी इस गुण का विकास नहीं हुआ है कि जमीन पर वस्तु के गिर जाने पर उसको खाने से उसके शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वह केवल दंड की परिस्थिति से बचने के लिए उस अपनी प्रिय वस्तु को जमीन से उठाकर नहीं खा रहा है। तो यह नैतिक विकास के पहला चरण होता है, जिसे हम दंड तथा आज्ञा पालन अवस्था के नाम से जानते हैं। अगले एवं दूसरे चरण में स्वयं रुचि अभिमुखता की बात की जाती है। यहाँ बच्चा अपने व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं फायदे नियमों के पालन का आधार बनाता है। अब बच्चे के जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप जो नियम उसके लिए उचित दिखाई देते हैं, वह उन नियमों का पालन स्वेच्छा से करना प्रारंभ कर देता है। और यह नैतिक विकास का स्तर केवल बालक के स्वयं के हित तक ही सीमित होता है। उसके लिए जो चीज़ें अच्छी हैं, वह उन नियमों का पालन प्रारंभ कर देगा, लेकिन वह नियम जो उसके लिए अच्छे नहीं हैं, वह उन नियमों की ओर ध्यान नहीं देता है। नैतिक विकास के चरण में अगला चरण है उत्तम लड़का लड़की अभिमुखता। जब कोई भी बालक इस नैतिक विकास के चरण पर होता है, तो उसके अंदर यह भावना होती है कि वह समाज में अपने को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करे। उसके अंदर इस भावना का विकास हो जाता है कि सामाजिक रूप से उसे लोग अच्छा कहें, और इस भावना के विकास के कारण वह समाज में प्रचलित नियमों का पालन करता है। इस अवस्था में जब बच्चा, बालक या बालिका अपने को सामाजिक रूप से अच्छे दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वह दूसरों की आवश्यकताओं में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। माना कि किसी परिस्थिति में कोई एक आवश्यकता उनकी है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ वह यह भी ध्यान रखेंगे कि दूसरे व्यक्तियों को भी उस आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए, और वह इस परिस्थिति में उन लोगों के साथ भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बालक को अपने हित पूर्ण करने के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रहता है, और वो चाहते हैं कि समाज में उनकी एक अच्छे बालक, एक अच्छी बालिका की प्रतिष्ठा बनी रहे, और इस प्रकार वह नैतिक आचरण करते हैं। चौथे चरण में कानून और व्यवस्था की बात आती है। बालक का नैतिक विकास जब इस स्तर पर होता है, तो वह स्वयं के कर्तव्यों का निर्वाह और एक व्यवस्थित समाज के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करता है। यहाँ पर एक तो बालक या बालिका अपने कर्तव्यों से परिचित हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि एक व्यवस्थित समाज के संचालन हेतु कौन कौन से नियम आवश्यक हैं, और उन नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए, जिससे समाज की व्यवस्था एक सुचारू रूप से चलती रहे। नैतिक विकास के अगले चरण में सामाजिक अनुबंध अवस्था आती है। यह विकास का तृतीय चरण है, जहाँ पे कहीं ना कहीं नैतिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त हो जाता है। यहाँ व्यक्ति सामाजिक रूप से प्रचलित एवं व्यक्ति द्वारा चयनित नैतिक सिद्धांतों का पालन करना सीख जाता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत प्रमुख है कि
व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की तार्किक कुशलता का विकास हो जाता है कि एक ओर जहाँ वह समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करने के लिए तैयार होता है, वहीं दूसरी ओर किसी विशिष्ट परिस्थिति में किस प्रकार उन नियमों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है उसके बारे में भी तर्क करने की सक्षमता उसमें विकसित हो जाती है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ व्यक्ति अपने द्वारा चयनित नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार के नैतिक तर्क की आवश्यकता है उसका पालन किया जाना चाहिए। नैतिक विकास का अंतिम चरण है सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता के स्तर पर व्यक्ति विवेक पर आधारित सही व गलत का निर्णय करता है तथा स्वयं द्वारा चयनित नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करता है। जब हम नैतिक विकास के इस चरण की बात करते हैं तो यहाँ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का तो पालन करेगा ही करेगा, उसमें वह उचित परिस्थिति के अनुसार तर्क द्वारा उचित परिवर्तन भी करता है तथा वह अपने विवेक पर आधारित कुछ नियम बनाने में भी सक्षम होता है तथा वह उन नियमों का पालन करता है जो किसी विशिष्ट परिस्थिति हेतु उपयोगी होती है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति नैतिक विकास के इन प्रारंभिक चरणों से होते हुए इस जटिल स्तर तक पहुंचता है जहां वह नियमों के पालन के साथ साथ अपने तार्किक शक्ति द्वारा उचित नियमों के निर्माण हेतु भी सक्षम हो जाता है। यदि हम चित्र द्वारा देखें तो कोहलबर्ग की जो नैतिकता वृद्धि की अवस्थाएं हैं वह इन 6 चरणों में एक बढ़ते हुए क्रम में होती हैं, जिसमें सबसे पहले चरण में दंड तथा आज्ञा पालन अवस्था होती है, द्वितीय चरण में बालक स्वयं रुचि अभिमुखता की ओर अग्रसर होता है, उसके पश्चात उत्तम लड़का लड़की अभिमुखता देखने को मिलती है, उसके बाद कानून और व्यवस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है, उसके अगले चरण में सामाजिक अनुबंध अवस्था आती है जहां बच्चा या विकसित हो रहा प्राणी विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के पालन के साथ साथ उनमें कुछ परिवर्तन भी करता है, और अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ चरण सार्वभौमिक नैतिकता का होता है जहाँ तक एक व्यक्ति बहुत प्रयास के बाद पहुँच पाता है। और यह स्तर वह स्तर है जहाँ व्यक्ति नियमों को बनाने में भी सक्षम होता है। नैतिक विकास में एक विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, अब इस पर हमें चर्चा करनी है। एक विद्यार्थी के नैतिक विकास में विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभिन्न पाठ्यक्रम व सहायक क्रियाओं के आयोजन से अध्यापक विद्यार्थियों में अनेक नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं। वह कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम विद्यालय में आयोजित करके एक बालक में उचित नैतिक नियमों नैतिक तर्कों का विकास कर सकते हैं, चर्चा करना आवश्यक है। जैसे प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, विभिन्न धार्मिक त्योहारों को मनाना, राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन करना, सामूहिक योग्यताओं कैंप समाज सेवा कार्यक्रमों तथा खेलों का आयोजन करना, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन करना, उपयुक्त फिल्म और नाटक आदि को दिखाना तथा पिछड़े क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए जाना, यह कुछ विभिन्न प्रयास हैं जो एक विद्यालय द्वारा किए जाने चाहिए जिससे बालक का नैतिक विकास उचित रूप से हो सके। उसको समाज के नियमों एवं मान्यताओं को केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु यदि उन नियमों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार किया जाए और उन्हें उस व्यवहार को आत्मसात करने के अवसर प्रदान किए जाएं, तो निश्चित रूप से कोई भी बालक उच्च नैतिक विकास की दिशा में अग्रसर होगा।
इसके विपरीत यदि हमारे जो नियम हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं और जो हमारे आचरण हैं, उनमें अगर विरोधाभास होगा तो विकसित हो रहे बालक में कहीं ना कहीं कुंठा विकसित होगी और उसे यह समझने में दिक्कत होगी कि जो नैतिक आचरण समाज के लिए मान्य हैं उनको केवल कहना और व्यवहार में न दिखाना किस प्रकार एक समाज के लिए हानिकारक होता है। धन्यवाद।